हेलो एवरीवन, मैं संस्कृति शिवानी आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कन्वेंशनल साइंस में। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में जो कि हर एक लाइफ साइंस के स्टूडेंट को देना चाहिए, जो भी अपनी मास्टर डिग्री जो है अच्छे यूनिवर्सिटी से करने का सपने देखते हैं उन्हें ये एग्ज़ाम्स बिल्कुल देने चाहिए। मुझे भी इनके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, मुझे अपने फाइनल ईयर के बहुत लास्ट में पता चला तो मैं उतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाई, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में पता चले। डैट्स वाई आई मेड दिस वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे टॉप लेवल के एग्ज़ाम से। सबसे पहले आता है आपको आईटी जैम, ये सबसे पहले भी होता है। जब आप थर्ड ईयर में रहते हो तो आपके थर्ड ईयर के एग्ज़ाम से पहले आपको ये आईटी जैम का एग्ज़ाम हो जाता है, विच मीन्स कि आपको अपने थर्ड ईयर में इंटर होने से के तुरंत बाद आपको इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ना सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चन बल्कि आपको ट्वेल्थ लेवल की केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ से भी क्वेश्चन रहते हैं। तो और अब आप पूछोगे कि आई टी जैम करने से हमें क्या फ़ायदा है ये वो, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत लोगों को ये पता ही नहीं रहता है कि आई टी और एन आई टी से भी हम अपनी एम एस सी जैसी कोर्सेज कर सकते हैं। बिकॉज उन्हें लगता है कि आई टी एन आई टी जो है सिर्फ टेक्निकल कोर्सेज के लिए, सिर्फ जो आई टी जैम आई टी जे ई क्रैक करते हैं, जो इंजीनियरिंग ये सब जो चीज़ें होती हैं वही आई टी एन आई टी से होती हैं, बट ऐसा नहीं है। आप अपनी एम एस सी बायोटेक्नोलॉजी भी आप आई टी से कर सकते हो, आई टी बॉम्बे, आई टी रुड़की और एन आई टी से कर सकते हो, अगर आप आई टी जैम क्वालिफाई करते हो तो। और उसके साथ साथ आपको 10,000 का पर मंथ स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। उसके अलावा आप जानते हो कि एनआईटी और आईटी की प्लेसमेंट कितनी अच्छी होती है, तो यहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक एनवायरमेंट मिलता है, आपको क्वालिटी स्टडी मिलती है और आपको एक 100% प्लेसमेंट का आपको गारंटी भी मिलता है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन यही है कि इसको निकालना बहुत टफ़ है क्योंकि इसका पेपर टफ़ आता है, बट आपके पास अभी बहुत टाइम है। जो बच्चे सेकेंड ईयर में, मुझे लगता है उन्हें अभी से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए प्रिपरेशन, और जो बच्चे थर्ड ईयर में भी हैं तो अभी भी लेट नहीं हुई है, क्योंकि आपने केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके ग्रेजुएशन में भी पढ़ते आ रहे हो, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स से आप लोग का टच काफ़ी दूर है, तो मुझे लगता है कि आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और आप प्रीवियस ईयर देखो, आप उस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ जिस तरह से आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। उसके बाद से हम बात करते हैं टिफर की, जिसकी फुल फॉर्म होती है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इस एग्ज़ाम के थ्रू क्या होता है कि आप टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट जो कि बेंगलोर में है, मुंबई में है, यहाँ पर आपको मौका मिलता है अपनी एम एस सी करने का, और यहाँ पे भी आपको स्टाइपेंड मिलता है। और इसका जो मेन ऑफिस है, जो मेन आपको ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जो इसका सेंटर है, वो आपको एनसीबीएस है जो कि कंडक्ट करवाता है ये एग्ज़ाम, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज। ये बेंगलुरु में है और यहाँ पे अगर आप अगर आपका टिफर एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है तो मुझे लगता है कि आप इतने कैपेबल हो सक जाओगे यहाँ से निकलने के बाद कि आप अपना खुद का रिसर्च इंस्टीट्यूट खोल पाओ। और यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिलता है 9 to 10,000 का। और ये जो एग्ज़ाम होती है इसकी सिलेबस आईटी जैम जैसी ही होती है, यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी पूछी जाती है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका लेवल कम होता है बिकॉज इसमें आपको न्यूमेरिकल बेसिस बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहते हैं, आपको इसमें मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन नहीं रहते हैं, यहाँ आपको जो रहता है ऑब्जेक्टिव रहता है और ज़्यादातर आपको रिसेंट चीज़ों पर, जैसे कि आपको कोरोना से रिलेटेड ये सब चीज़ों से रिलेटेड ज़्यादा इसमें पूछा जाता है और ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद से आता है आपको गेटबी का एग्ज़ाम। गेटबी का एग्ज़ाम जो है इसका सबसे पहले तो फुल फॉर्म होता है ग्रेटिट्यूड एम्पलीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी। इसको ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ बीएससी बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट ही दे सकते हैं, इसको कोई भी लाइफ साइंस का स्टूडेंट दे सकता है। अभी तक मैंने जो भी एग्ज़ाम्स आपको बताए हैं, आई टी जैम, टिफर, गेटबी, ये सब ये एग्ज़ाम्स जो हैं वो लाइफ साइंस का कोई भी बच्चा दे सकता है, जिसने अपनी बैचलर डिग्री किसी भी लाइफ साइंस के कोर्स में की हो वो आप ये दे सकते हैं। तो जो गेटबी की बात होती है, तो गेटबी में आपको जैसे नीट होता है ना, कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो नीट के अंडर रहते हैं और आपको नीट के मार्क्स के बेसिस पे वहाँ पे एडमिशन मिलता है, सेम यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए है कि यहाँ पे आपको एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है थ्रू गेटबी मार्क्स।
तो ये जो एग्ज़ाम होता है वो ये बाकी के जो स्टार्टिंग के जो एग्ज़ाम्स हैं ITJAM और TIFR से थोड़ा सा इसका जो लेवल कम रहता है। क्यों रहता है कम? बिकॉज़ जो गेटवे का एग्ज़ाम होता है ये दो सेक्शंस में होता है, सबसे पहली बात ये है। और यहाँ पे जो सेक्शन ए रहता है उसमें 60 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और थोड़ा बहुत 12th का बायोलॉजी रहता है, और थोड़ा बहुत आपको ग्रेटिट्यूड एम्पलीट्यूड टेस्ट है ना, तो यहाँ पे आपको क्वांटिटिव एम्पलीट्यूड के क्वेश्चंस रहते हैं। जो मतलब मैथ्स रहता है वो यहाँ पर 12th लेवल का नहीं रहता है, यहाँ पर वो 10th लेवल का रहता है। जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, ट्रेन प्रॉब्लम्स हो गया, आपको एज प्रॉब्लम हो गया, आपको ये सब एवरेजेस निकालना, ये सब जो चीज़ें होती है ना वो आपको इसमें पूछी जाती है। तो आप इसका मैथ्स का पोर्शन आराम से कंप्लीट कर सकते हो। आप फिजिक्स छोड़ना चाहते हो आप छोड़ो, आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी अटेम्प्ट करो। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो इसका सेक्शन बी होता है उसमें आपको टोटल 120 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें कि आपको सिर्फ 60 अटेम्प्ट करना है। हम नॉर्मल पे कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं वहाँ पे हमें क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि हमें 100 क्वेश्चंस हैं पूरे और 120 क्वेश्चंस हैं, तो हम चाहते हैं कि हम 50% से थोड़ा सा ज़्यादा अटेम्प्ट करें। और उतने क्वेश्चंस तो हमें आते हैं, अगर हमने तैयारी करी है, बैचलर में कुछ पढ़ा है, तो उतने क्वेश्चंस तो हमको लगता है हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें खुद अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमें जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें हमको सिर्फ 50% अटेम्प्ट ही करना है। तो यहाँ पर मुझे बच्चे जो हैं वो 60 का 60 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करके आते हैं। यहाँ पे बस ये हमें सावधानी रखनी रहती है कि यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करें वो एकदम हम उस चीज़ को लेके श्योर होना चाहिए। वो ये जो स्टार्टिंग के जो ये जो जो मैंने एग्ज़ाम्स बताए हैं आपको, ये ITJAM हो गया और ये TIFR हो गया, तो ये एग्ज़ाम्स में क्या है कि आपको स्टाइपेंड मिलता है, इसमें आपको 10,000 मिलता है, इसमें भी आपको 10,000 मिलता है, यहाँ पे आपको 5,000 मिलता है। और इसके अंडर आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जिसके में आपको एडमिशन मिलता है थ्रू गेटवे मार्क्स। इसमें आपको टॉप लेवल के यूनिवर्सिटीज़ में जैसे आपको GNU हो गया, HCU हो गया, BHU हो गया, और स्टेट में आपको तेजपुर जैसी यूनिवर्सिटी हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर हो गई, मदुरई कमराज हो गया, अलगप्पा हो गया, ये सब यूनिवर्सिटीज़, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि आपको गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हो गया, JP हो गया, आपको अमेठी हो गया, है ना, तो वो सब का भी आपको जो है एडमिशन जो है MSc बायोटेक्नोलॉजी और MSc एग्रीकल्चर और मैरीन बायोटेक्नोलॉजी में इस गेटवे के थ्रू होता है। लेकिन अगर आपको दूसरे इसके अंडर आने वाले जितने भी यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर उनमें आपको एडमिशन लेना है किसी दूसरे कोर्स में, तो उसके लिए आपको खुद से अलग से उस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी के लिए, MSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको गेटवे क्वालिफाई करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको स्टाइपेंड में मिलता है। आप अगर गेटवे के थ्रू किसी भी प्राइवेट इस सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में जाओ तो वहाँ पे आपको 5,000 पर मंथ जो है वो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई आपको टॉप लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, और ये सबसे टफेस्ट भी होते हैं ये। उसके बाद से आता है आपको CUCET, BHU और DU। ये पहले खुद का अलग से अपना कंडक्ट करवाते थे, लेकिन अब ये क्या हुआ है, इस बार से जो जो नेशनल एजेंसी ने गेटवे को कंडक्ट किया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसी ने इस बार CUCET, BHU और DU को भी कंडक्ट किया है। तो सबसे पहले तो हम इसका फुल फॉर्म जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पे आपको CUCET के अंदर आपको टोटल 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, साउथ बिहार हो गया, आपको राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन होता है थ्रू CUCET मार्क्स, ठीक है। BHU में है कि BHU के थ्रू आपको सिर्फ BHU में एडमिशन मिलता है, और DU के थ्रू आपको सिर्फ DU के अंडर जितने कॉलेजेस आते हैं उनमें एडमिशन मिलता है। इन सब का पैटर्न सेम होता है एक्सेप्ट CUCET के। CUCET में आपको 25 क्वेश्चंस बस क्या होते हैं उसमें रीजनिंग रहती है, और क्वांटिटेटिव एम्पलीट्यूड में आपको थोड़े बहुत 10th लेवल के मैथ्स रहते हैं, और 75 क्वेश्चन जो रहता है वो आपको बायोलॉजी रहता है। BHU और DU में सारे के सारे क्वेश्चन बायोलॉजी से रहते हैं, इसमें ना कोई फिजिक्स पूछा जाता है ना कोई केमिस्ट्री। तो ये आपको इनके बारे में बात हो गई, लेकिन इसमें आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता है। लेकिन ये स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो यहाँ पे आपको क्या है कि यहाँ पे आपको एक ब्रांड नेम मिलता है, यहाँ पे आपको क्वालिटी स्टडी मिलती है, यहाँ और यहाँ से जब आप निकलोगे तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन जो है बन के ही निकलोगे, इस चीज़ की तो गारंटी है। यहाँ की प्लेसमेंट्स अच्छी होती है। उसके बाद से हम बात करते हैं ये लास्ट के चार यूनिवर्सिटीज़ के बारे में।
सबसे पहले आता है आपको HCU, गेट बी के थ्रू भी HCU में एडमिशन होता है लेकिन सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के लिए। लेकिन अगर आपको HCU के अंडर और भी बहुत सारे लाइफ साइंसेज के कोर्स होते हैं, जैसे कि आपको बायोकेमिस्ट्री होता है, बायोस्टेट होता है, आपको मेडिसिनल माइक्रोबायोलॉजी होता है, तो इन सब के लिए आपको HCU का खुद का अलग से पेपर देना पड़ता है, जिसमें कि आपको सिर्फ जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो बस उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है आपको JNU, JNU की बायोटेक्नोलॉजी जो है आपको गेट बी के थ्रू होती है, लेकिन JNU में अगर आपको किसी और लाइफ साइंस के कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए उसकी अलग से पेपर होती है। और यहाँ पे JNU में क्या होता है कि आपको यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फिर हम बात करते हैं जामिया और साउथ की। तो देखिए, अभी तक जो मैंने यूनिवर्सिटीज़ आपको बताई हैं तो मे भी शायद आपको इनके बारे में पता हो, लेकिन जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ जामिया, शायद आपने इसके बारे में नाम सुना, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका जो इसके लिए बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि ये स्टेट लेवल की है, दिल्ली की। तो जामिया में क्या होता है कि ये यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्यों? सबसे बड़ी बात क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। उसके अलावा अगर हम कुछ और मैटर्स देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि डिस्टेंस, जो बच्चे साउथ साइड में रहते हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड के रहते हैं, वो तेजपुर को प्रेफर करेंगे, वो अलकप्पा को प्रेफर करेंगे, वो मदुरई कामराज को प्रेफर करेंगे। वाई दे विल प्रेफर जामिया? क्योंकि डिस्टेंस मैटर करता है। दूसरी बात, सबको बहुत लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे दिल्ली का डोमिसाइल की रिजर्वेशन होगी, फिर मुस्लिम लोगों की रिजर्वेशन होती होगी, बट ऐसा नहीं है। जामिया एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे हिंदू लोग भी पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी जो हमने हल्ला वल्ला सुना कि यार जामिया में लड़ाई होते रहते हैं तो पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, यार सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ऐसे थोड़ी ना किसी को। और जब किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा कुछ भी छोटे मोटे काम होते हैं ना तो उसका हवा बना दिया जाता है। तो मुझे लगता है जामिया बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी है और बहुत नाम है इसका, और इसकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स बहुत अच्छी हैं और इनके लैब्स बहुत अच्छे हैं, और यहाँ से जो भी बच्चे निकले हैं वो आज बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर हैं। उसके बाद से आता है आपको साउथ। इस चीज़ की तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। सबसे पहले इसका जो फुल फॉर्म होता है वो जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले हम जानते हैं सार्क। सार्क के बारे में आप लोग जानते होंगे कि 7 से 8 कंट्रीज़ ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है सार्क, जिसमें कि आपको नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया, ये सब आते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, उन्होंने ये साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज़ का डेवलपमेंट किया है, जहाँ पे आपको इंडिया के साथ साथ बाकी सार्क के अंदर जितने भी कंट्रीज आते हैं उनके बच्चों के भी रिजर्वेशन की रिजर्व सीट्स यहाँ पे रहती हैं। तो यहाँ पे आपको इंटरनेशनल डिग्री मिलती है, आपको अलग अलग कल्चर, अलग अलग कंट्रीज से आए हुए लोगों के लैंग्वेजेस और पर्सन के एक्सपोजर होते हैं। यहाँ से आपकी जब आप निकलोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप अपनी PhD या फिर आप अपनी इंटर्नशिप जो है वो फॉरेन से कर पाओ, क्योंकि यहाँ पे टाई अप है फॉरेन कंट्री से भी। तो यहाँ पे आप दूसरी कंट्री में जाके भी अपनी इंटर्नशिप और अपनी आगे की स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको क्वालिटी स्टडी मिलती है, आपको इंटरनेशनल डिग्री मिलती है। तो आप तो मुझे लगता है कि साउथ जो है वो देनी चाहिए सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो शायद बहुत लोग इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था और मेरे 2 एग्ज़ाम्स जो हैं वो बहुत नियरेस्ट पड़ गए थे और मुझे दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम को ही देना था, तो मैंने साउथ जो है छोड़ दिया था। पर बाद में मुझे इस चीज़ का बहुत रिग्रेट हुआ था कि क्योंकि साउथ के बाद मुझे जाना कि साउथ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैम ने बोला, हमारे कुछ जो मेरे कलीग्स थे उन्होंने बहुत अच्छी रिव्यू दे रहे थे इसके बारे में, तो मुझे बाद में बहुत रिग्रेट हुआ। पर मैं नहीं चाहती हूँ आप लोग को भी इस चीज़ का रिग्रेट हो, सो आपको ज़रूर से ज़रूर ही साउथ देना चाहिए। अब मैं बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है सीट के लिए वो इनमें मारा मारी है। ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये बहुत बाद में होते हैं, सबसे बाद में, इवन इनके बाद आपको ये एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, उसके बाद आपको ये एग्ज़ाम्स होते हैं। तो यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा बनती है, मतलब आपको ये जो 3 एग्ज़ाम्स हैं इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्योंकि लेट से होती है तो बहुत सारे बच्चे इसमें घुस जाते हैं या फिर बहुत सारे बच्चे इसमें घुस जाते हैं, बचा आपको ये वाला यूनिवर्सिटी। इन यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए बच्चे कम अप्लाई करते हैं और यहाँ पे इनकी कुछ कट ऑफ जो है CUCT की, BHU DU की तो हाई जाती है, लेकिन CUCT की कट ऑफ जो है, क्योंकि इसके अंदर 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं तो अब सबकी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की कट ऑफ्स होती है, किसी की ज़्यादा किसी की हाई, तो यहाँ पे आपके चांसेस बनते हैं और आपको थोड़ी सी कॉम्पिटिशन भी कम मिलती है यहाँ पे।
तो आई होप आप समझ रहे हो कि मैं किस बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं तो मुझे सारे एग्ज़ाम्स के एक्सपीरियंस हैं। मैंने बस साउ नहीं दिया है तो मैं उसके बारे में जानती नहीं हूँ, बट आई नो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने दिया था जिनको मैंने सजेस्ट किया था देने के लिए। अगर आपको इन जितना भी मैंने आपको यूनिवर्सिटीज़ और एग्ज़ाम्स के बारे में बताया है, अगर आपको इनके बारे में कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो बिल्कुल। उसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम पेज कन्वेंशनल साइंस पे भी आप अपनी क्वेरी जो है पूछ सकते हैं। ये है मेरा इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली और आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और अगर आपको आज के वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी थोड़ी बहुत बड़ाई कर सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आपको, चूँकि मैंने ये सारे एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, तो अगर आप चाहते हो कि मैं किसी एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम के बारे में वीडियो बनाऊं, तो आप बिल्कुल बता सकते हो कमेंट बॉक्स पे। मैं स्पेसिफिकली उस वीडियो उस टॉपिक और इंस्टीट्यूट के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगी, और मैं आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी कि आपको कौन कौन से स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगेन मैं कह रही हूँ, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम फॉर वॉचिंग माई वीडियो।